MVC architecture suggests if you are having a more programming part, then you use the controller part, that is servlet. And if we are having more designing part, then we are going to use JSP pages. आपसे ये बार बार आपके मन में ये बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दोनों ही काम एक से हो जाते हैं तो फिर अलग अलग हम लोगों को क्यों करने पड़ते हैं या दो चीजें इसके लिए क्यों दी गई है। दो चीजें इसके लिए इसलिए दी गई है कि जब बेसिकली जब पहले जावा को डेवलप किया गया था तब डिजाइन को कंसीडर नहीं किया गया था। हम लोगों ने दो तरह की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा है, सुना है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। कोई एक जना हाँ सर यस सर कुछ बोलता रहे तो मुझे पता पड़ेगा कि मैं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, है ना। बीच बीच में हाँ रिएक्ट करते रहे ताकि मुझे यह लगे कि नहीं तो मेरे को लगता है कि मैं अकेले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और या फिर किसी एक जने का फीड को है ना, ठीक है। मैं किससे पूछूं, कोई एक जना मुझे बता दे कि भाई हाँ बोलेगा। पार्थ या अक्षय? अक्षय का अनम्यूट है। अक्षय वीडियो ऑन ऑन करो अपना। अच्छा मैं दिख रहा हूँ। आप मोबाइल पे हो लैपटॉप पे हो? ठीक है, अगर बोल नहीं सको तो गर्दन हिला के बता देना कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। समझ में तो अपन देखेंगे बाद में, सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले ये डिसाइड कर ले अपन, ठीक है। यस सर आ रहा है, ठीक है। फाइल जो है डाउनलोड हो रही है, जो बुक जिसको हम लोग रेफर कर रहे हैं जावा और सर्वलेट्स की। तो हम लोग बात कर रहे थे दो तरह की, हमने लैंग्वेजेस की बात करी थी। एक हमने बात करी थी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और एक हमने बात करी थी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। फर्क क्या होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, वो सर्वर पर जब रिक्वेस्ट जाती है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ HTML जाती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को अपने अकॉर्डिंगली उस HTML रिक्वेस्ट को कन्वर्ट करता है। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है तो वो ASP.NET में कन्वर्ट करता है, वो अगर अपाचे टॉमकैट का सर्वर है तो वो उसको जावा में कन्वर्ट करता है। इन आवर केस वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सर्वलेट देन दैट रिक्वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द सर्वलेट एंड दैट सर्वलेट इज कंपाइल्ड एंड रन ओवर देयर एट सर्वर साइड देन जनरेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ जावा। Now that output again converted into the HTML to give back response to the client. जब किसी particular client ने कोई request भेजी, वो request HTML के form में उस particular server पर गई, server पर जाने के बाद में वो वहां पर process हुई, वो वहां पर execute हुई और process और execute होने के बाद में वो request जो है वापिस प्रोसेस होने के बाद में वो जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स जो है वापस वो क्लाइंट को रिसीव हो जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सो अगर हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हमारे पास में क्या क्या आते हैं? हमारे पास में जावा है, हमारे पास में एडवांस जावा है, हमारे पास में सर्वलेट है, हमारे पास में PHP है। दीज आर ऑल आर टू बी कंसिडर्ड एज ASP.NET है। These all are to be considered as server side scripting. Thank you. Yes. पता पड़ा कोई तो जाग रहा है ना? Now yes, when we are talking of client side scripting, then which are the languages? Basic languages are JavaScript, HTML, jQuery, DHTML, CSS, XML, CSS. So these are the languages which are not having need of any execution or compilation. Yes, sir. Yes, sir. One second. मैं वो बुक ओपन कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर ये
एक्रोबेट जो है काम नहीं करता है सही, तो मैं ब्राउजर में ही बुक को ओपन कर रहा हूँ एक बार। चैप्टर कौन सा है, जेएसपी वाला ध्यान है क्या आप लोगों को? चैप्टर है सर। हाँ जी पेज नंबर 236 जो फर्स्ट चैप्टर है ना, हम शुरू से जेएसपी पढ़ रहे हैं। यस सर। ओपन हो रही है सारी बैंडविड्थ, जूम में लगी हुई है, कुछ व्हाट्सएप खा रहा है, कुछ घर पे चल रहा है। yes, sir. इसलिए नेट बड़ा धीमे चल रहा है, इसलिए पहले रीस्टार्ट किया उस समय डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है सर। वही 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 सब जगह सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर हमें बढ़ना है आगे और हमें पढ़ना है, ठीक है ना? यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। आप लोगों को दिख गई होगी होपफुली स्क्रीन। यस सर। यस सर। देख सकते हैं आप क्या स्पीड आ रही है, एक पीडीएफ को ओपन करने में कितना टाइम लग रहा है। मैं मेरा वीडियो ऑफ कर देता हूं ताकि शायद कुछ फर्क पड़े, ठीक है ना? अगर स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? नो सर, नॉट प्रॉपर। मतलब अभी दिख तो रही है कि यहाँ कुछ स्क्रीन पाने वाला है। यस सर। नीचे पेज नंबर आ रहा है, जूम का साइन आ रहा है, ये तो दिख रहा है ना? यस सर। हाँ यस सर। ठीक ठीक। टाइम लगेगा सर इसको लोड होने में? कितना टाइम लगेगा? 246 नंबर पेज पे सर आप हो अभी। तो उसके बाद ही आएगा ये। आ जाएगा, वेट करते हैं सर। डाउनलोड ही कर लो। डाउनलोड तो कर ली मैंने, मेरे यहाँ एक्रोबैट पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं रहा है, खुल नहीं रही है पेज। डाउनलोड सर क्रोम में खोल दो ना आप। मैं कर चुका हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ना, क्रोम के अंदर खुल जाएगा। एक मिनट ट्राई करता हूँ। इतना तो आता था यार मेरे को, किया मैंने।
क्रोम में तो नहीं खुला है, फायरफॉक्स में खुल गया नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज में खुला है। वापस अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी सर। आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। बिल्कुल क्लियर? यस सर। सो ऑन योर स्क्रीन यू आर सीइंग अ सिंपल जावा वेब पेज यूजिंग जेएसपी। तो जैसे अभी मैंने बात करी थी कि भाई सर्वलेट और जावा में फर्क क्या है, तो एक टेक्निकल फर्क है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जावा पेजेस सर्वर पेजेस बनाते कैसे, इसके ऊपर मैं भी आऊंगा, पर एक इम्पोर्टेंट बात जो है, जो एक टेक्निकल फर्क है उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई वो इम्पोर्टेंट फर्क क्या है। वो इम्पोर्टेंट फर्क ये है कि जब आप सर्वलेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं और कोई सर्वलेट डेवलप करते हैं और सर्वलेट सर्वर के ऊपर जाता है इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल रिक्वेस्ट जाती है, सर्वलेट वहां पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में वो रेस्पॉन्स जनरेट करता है और रेस्पॉन्स भी हमें किस फॉर्मेट में मिलता है, एचटीएमएल फॉर्मेट में मिलता है। बट जब सर्वलेट में अगर हमें कोई चेंज करना होता है, सर्वलेट कहाँ पर रखा हुआ है? सर्वर पर रखा हुआ है। सर्वलेट पे अगर हमें कोई चेंज करना है, कुछ की कोड के अंदर कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल पहले हम लोग उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे थे और अब मान लीजिए हम उसमें हेलो इंडिया प्रिंट कर रहे हैं, तो सर्वलेट पे हमारी कौन सी फाइल वहां पर रखी हुई है? डॉट क्लास फाइल रखी हुई है। अब मान लीजिए हमने डॉट जावा फाइल के अंदर चेंज कर भी लिया और अगर हमने उसको कंपाइल नहीं किया तो हमारे जो आउटपुट पे जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि डॉट क्लास फाइल में ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड वहां पर लिखा हुआ है। So there is a need of recompilation every time when we are going to change in servlet. But when we are talking of JSP pages, these pages are server-side scripting, but there is no need of compiling JSP pages individually again and again when there we made a change in that particular JSP page. Now that is already performed by the JSP engine automatically. बात फर्क समझने की कोशिश करना, सर्वलेट को हमें मैन्युअली सर्वर पर कंपाइल करके अगर हमने उसमें कोई चेंज किए हैं तो वो हमें करना पड़ता है, और अगर हम जेएसपी पेजेस की बात करें तो वो चेंज हमें वहां पर करने की जरूरत नहीं है। जेएसपी पेज जितनी भी बार रिक्वेस्ट जाएगी उतनी हर बार वहां पर कंपाइल होंगे, कंपाइल होने के बाद में आउटपुट जनरेट होगा और आउटपुट जो है वो फिर हमारे को मिलेगा। Java server pages also known as JSP are a simple but powerful technology used to generate dynamic HTML on the server side. They are direct extension of Java servlet and provide a way to separate content generation from content presentation. When we are talking of content generation, then we are talking of coding. And when we are talking of content presentation, then we are talking of designing. The JSP engine is just another servlet that is mapped to the extension *.jsp. The following code contains a simple example. अब आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ। सर्वलेट का जब हम लोग प्रोग्राम बनाते थे तो सर्वलेट के प्रोग्राम में मान लीजिए हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया तो हम लोग ऊपर प्रोग्राम शुरू करते थे इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट HTTP servlet, do get post और ये सारी चीजें, और अगर हमें उसमें कोई HTML की कोडिंग लिखनी होती थी तो वो हम लोग लिखते थे out.println के अंदर, डबल कोट्स के अंदर। That means जो की बात वहां पर हम लोगों को कमेंट वाली जो पार्ट होता था उसके अंदर हम लोग सारा उसको हम लोग मेंशन करते थे। JSP में हमारे पास में थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर हमें
वहां पर हमें जो कमेंट में डबल कोट्स में लिखते थे वो कोडिंग पार्ट होता था, यहाँ पर कोडिंग नहीं एचटीएमएल पार्ट होता था, और कोडिंग पार्ट जो है फ्रीली हम लोग वहां पर लिख सकते थे। उसके लिए हमें वहां पर कोई कमेंट या कोई दूसरे ब्रैकेट्स या कोई टैग लेने की आवश्यकता नहीं थी। बट व्हेन वी आर गोइंग टू अ जेएसपी पेज देन देयर इज अ नीड ऑफ अ टैग एंड दैट टैग इज डिनोटेड बाय लेस देन परसेंट एंड परसेंट ग्रेटर देन। स्क्रीन पर आप लोग देखें एक सैंपल प्रोग्राम है, यहाँ पर जब मान लीजिए अगर यही कोड अगर हम लोग सर्वलेट के अंदर लिखते तो ये एचटीएमएल जो है डबल कोट्स के अंदर आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर आता, बॉडी जो है डबल कोट्स के अंदर आउट डॉट प्रिंट एलएन के अंदर आता। बट यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसको हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं। डेट सिंपली मीन्स की जेएसपी जो पेजेस है, जावा सर्वर पेजेस जो है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, वहीं के साथ साथ में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के साथ साथ में अगर इसके अंदर कोई एचटीएमएल की कोडिंग लिखनी है या मान लीजिए डीएचटीएमएल की कोडिंग लिखनी है या सीएसएस की कोडिंग लिखनी है तो उसके लिए हमेशा हमें अलग से कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट एलएन जो लिखा, अब ये आउट डॉट प्रिंट एलएन जो है ये कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सर्वलेट के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको डायरेक्ट यहाँ पर जेएसपी प्रोवाइड कराता है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने सिंपल सा कर दिया HTML body less than percent out dot println hello JSP world semicolon, ये जो कोड था ये पहले वहां पे फ्रीली लिखा जाता था सर्वलेट के अंदर, बट यहाँ पर जो है अब ये स्पेशल टैग जो है लेस देन परसेंट और परसेंट ग्रेटर देन के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग अगर PHP की बात करें, वो भी एक टैग लैंग्वेज है जिसको में भी हम लोग HTML के साथ में PHP स्क्रिप्ट को काम में लेते हैं, तो वहां पर इस परसेंट के साथ में परसेंट की जगह पर क्वेश्चन मार्क आता है। ASP.NET की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर परसेंट की जगह पर एक्सक्लेमेशन साइन आता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग तरीके से अपने जो है टैग्स को इनकॉर्पोरेट करती है HTML की कोडिंग के साथ। नाउ वी आर हैविंग हाउ जीएसपी वर्क्स। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया जिस तरह से रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल काम करता है उसी तरीके से जेएसपी का भी जो है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल काम करता है। द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ जेएसपी पेज वेब, ये से फोटो में आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम में, एक वेब ब्राउजर है और एक वेब सर्वर है, एंड इन वेब सर्वर देर इज अ जेएसपी पेज, देर इज अ जनरेटेड सर्वलेट एंड देर इज अ कंपाइल्ड सर्वलेट। मैंने जैसे बताया कि जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी वो रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में जाएगी सर्वर पे, HTML. Very good. और जब उसको JSP पेज वहां पर सर्वर पर एग्जीक्यूट होगा तो वो सीधा JSP पेज एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले वो कन्वर्ट होगा किसमें, सर्वलेट में, और वो सर्वलेट बाद में होगा कंपाइल, और कंपाइल होने के बाद में जब वो एग्जीक्यूट होगा तब वो वापस वेब ब्राउजर को रेस्पॉन्स देगा, और वो भी अगेन किस फॉर्मेट में होगा, HTML फॉर्मेट में होगा। इस वेब सर्वर में आप लोग देख रहे होंगे कि भाई JSP पेज जो है वो पहले सर्वलेट बनाता है, सर्वलेट फिर कंपाइल होता है, और कंपाइल होने के बाद में वो उसको रेस्पॉन्स को वापस वेब ब्राउजर को देता है। सो हमें बार बार मैन्युअली कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू आर मेकिंग एनी चेंजेस इन अवर जेएसपी पेजेस देन इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जेएसपी इंजन दैट ही हिमसेल्फ मेड द जनरेटेड सर्वलेट एट सर्वर साइड एंड देन कंपाइल्ड इट एंड देन जनरेट द आउटपुट एंड देन रेस्पॉन्स टू द वेब ब्राउजर। These are the four steps. First, the client requests a JSP page. The JSP engine compiles the JSP into servlet. The generated servlet is compiled and loaded. The compiled servlet services the request and send a response back to the client. ये process जो है whenever एक बार नहीं होता है, आप भले ही program में आपने change करें या change नहीं करें, जितनी भी बार आप request करेंगे किसी भी particular client के द्वारा किसी JSP page के लिए request भेजी जाएगी, वो रिक्वेस्ट को बार बार वापस जो जेएसपी पेज के लिए रिक्वेस्ट करी उसको कन्वर्ट करेगा जनरेटेड सर्वलेट में, जनरेटेड सर्वलेट उसको कंपाइल करेगा, और ये सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेब सर्वर की। और हमारे केस में हमारे यहाँ पर वेब सर्वर कौन सा है, अपाचे टॉम कैट। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द जावा सर्वर पेजेस। मैंने कई सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को पहले एक साथ लिखवा दिए थे, हम लोग एक एक करके ही कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं जो कंपोनेंट्स हैं जावा के सर्वर पेजेस के, जो है सबसे पहले जो आता है
वो आता है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स से ऐसे समझे जो जैसे पिक्चर का डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, ऑर्डर्स देता है कि किस डायरेक्शन में आपको परफॉर्म करना है। सिमिलरली डायरेक्टिव्स आर प्लेइंग अ रोल इन जेएसपी पेजेस, हु गिव्स डायरेक्शंस टू दैट पर्टिकुलर जेएसपी पेज। नाउ व्हिच टाइप ऑफ डायरेक्शन, सो देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स व्हिच आर टू बी कंसीडर्ड एज लाइक पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैग लिब डायरेक्टिव, जो तीन तरह के बेसिकली जो मेनली हम लोग काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि भाई डायरेक्टिव क्या होता है, एक एग्जांपल से जैसे इसमें बताया हुआ है, डायरेक्टिव आर जेएसपी एलिमेंट दैट प्रोवाइड ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटायर जेएसपी पेज, एंड एग्जांपल वुड बी डायरेक्टिव दैट इंडिकेटेड द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन कंपाइलिंग अ जेएसपी पेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने ये बताया है कि भाई एक पेज डायरेक्टिव है, वो ये बता रहा है कि आप लोग जैसे अभी ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब जावा का ही जेएसपी पेज ही है और सर्वलेट ही है तो लैंग्वेज तो हमेशा जावा ही होगी, इसमें दूसरी लैंग्वेज का क्या रोल है, तो पेज डायरेक्टिव देने की जरूरत क्या है। बट आपको मैं बता दूं कि जावा जो है नेटिव लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और कुछ एडिशनल पैक्स और सर्विस पैक्स को हम लोग, सर्विस पैचेस को अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट करें, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर .NET के अंदर हम लोग सी शार्प में भी कोडिंग कर सकते हैं, VB.NET में भी कोडिंग कर सकते हैं, VC++ में भी कोडिंग कर सकते हैं। तो जावा ने यह स्कोप रखा है पेज डायरेक्टिव देके कि आप इन फ्यूचर इफ एनी अदर लैंग्वेजेस को अगर इसमें आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप अपने पेज लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो है जावा ही होता है, इसको अभी हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जावा की कोडिंग जावा में ही की जाती है। और भी जितनी एडवांस जावा की जो प्रोग्रामिंग है, अभी एंड्रॉइड की अगर हम लोग बात करें उसके अंदर भी जो कोडिंग होती है वो जो सिंटैक्स बेसिकली जो फॉलो किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें कुछ अलग लैंग्वेजेस आ गई हैं, बट सिंटैक्स जो फॉलो किए जा रहे हैं वो कौन से किए जा रहे हैं, जावा के ही किए जा रहे हैं। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लियर है? यस सर। नाउ कम टू पेज डायरेक्टिव के लिए मैंने जैसे बताया आपको, अब पेज डायरेक्टिव के जो है तीन एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम लोग पेज डायरेक्टिव के साथ में काम में लेते हैं, जो मेन तीन एट्रीब्यूट होते हैं, इसके साथ में तो खूब सारे एट्रीब्यूट दिए हुए हैं। एक होता है लैंग्वेज, जो ये बताता है कि किस एट्रीब्यूट या किस पर्टिकुलर लैंग्वेज को काम में ले रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे मैंने जो बताया आपको, दिस एट्रीब्यूट टेल्स द सर्वर व्हाट लैंग्वेज विल बी यूज्ड टू कंपाइल द जेएसपी फाइल। करंटली जावा इज द ओनली अवेलेबल लैंग्वेज। हमने बना दिया है कि भाई लैंग्वेज कौन सी लेनी है, बट अभी जो है हमारे पास में केवल और केवल एक ही लैंग्वेज है जिसको हम लोग जेएसपी में काम में लेते हैं। बट जावा ने इस तरह का, या जेएसपी ने, या अपाचे टॉमकैट जिसकी सन माइक्रो सिस्टम नाउ इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल, इन्होंने ऐसा स्कोप रखा है कि आप लोग फ्यूचर में अगर किसी और को काम में लेना चाहें तो भी काम में ले सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट हमारे पास में आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड से मतलब है जब हम लोग जावा के अंदर एक्सटेंड करते हैं, क्लास, क्लास का नेम एक्सटेंड, माई क्लास वन, माई क्लास टू, कोई हमारी बनाई हुई क्लास है या कोई हमारा बनाया हुआ जेएसपी पेजेस है जो किसी जनरेटेड सर्वलेट को अगर हम लोग एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास में सिंटेक्स तो है नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे, लेस देन परसेंट जो डायरेक्टिव है जो दिया है आपने एक्सटेंड जो पर्टिकुलर डायरेक्टिव के साथ में, अब वहां पर आप क्या दे देंगे, क्लास नेम दे देंगे। अगर आपने यहाँ पर वो क्लास नेम दे दिया तो उस क्लास के अंदर जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं या उस क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस अवेलेबल है या उस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, उस क्लास के वेरिएबल्स को, मेथड्स को, फंक्शंस को आप अपने जेएसपी पेज में काम में ले सकते हैं। तीसरा डायरेक्टिव आता है इम्पोर्ट डायरेक्टरी। मेनली ये तीन डायरेक्टरी जो है प्रैक्टिकल में हम लोगों को जनरली काम में लेने हैं, जो कि बहुत ज्यादा काम में आते हैं। जैसे कि जेएसपी के अंदर हम लोगों को ऐसे तो कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर सम सिचुएशन वेयर यू वांट टू इंपोर्ट सम जेएसपी पेजेस इन योर जेएसपी पेज और सम सर्वलेट पेजेस इन योर जेएसपी पेज, देन द इंपोर्ट एंड इन डबल कोट्स यू कैन मेंशन द इंपोर्ट लिस्ट, जितने भी हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा हो जाएंगे। सेशन हैंडलिंग जब जावा में हम लोगों ने करी थी, सर्वलेट में हम लोगों ने करी थी, आपने तब हम लोग सेशन को ऑन करते थे, ऑफ करते थे, तो वो भी पेज किस सेशन, किस पेज से सेशन ऑन होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर, जब आप लॉग इन करते हैं जीमेल के अकाउंट में, या मान लीजिए आप कोई फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स की साइट को काम में ले रहे हैं और आपने जैसे ही फ्लिपकार्ट पे एक्सेस किया, देन आपका सेशन ट्रू नहीं होता है। हम लोग जब लॉग इन करते हैं, हमारा यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तब हमारा सेशन जो है ट्रू हो जाता है। सेशन का ट्रू होने का मतलब यह है कि अब हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर किस किस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या हमने ऐड टू कार्ट किया है,
किस किस प्रोडक्ट को हमने देखा है, किस किस प्रोडक्ट की हमने इंक्वायरी की है, वो सारी की सारी जो है एक रिकॉर्ड के रूप में वहां पर स्टोर होती जाती है। और जब हम लोग लॉगआउट करते हैं तो वो सेशन बाय डिफॉल्ट फॉल्स हो जाता है, और मान लीजिए हमने उसको मैन्युअली फॉल्स करने का ऑप्शन दे रखा है तो उसको हम लोग मैन्युअली भी फॉल्स कर सकते हैं। सर, ये डेटा ऑटोमेटिक स्टोर होता है या फिर अपने को करना पड़ता है मैन्युअली? मैन्युअली करना पड़ता है, जो किस फील्ड में करना है। सेशन ट्रू हो गया है, दैट मींस सेशन ट्रू होने का मतलब है कि डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर नहीं हो रहा है। सेशन ट्रू होने का मतलब यह है कि वैभव गुप्ता ने लॉग इन किया है, अब जो जो भी एक्सेस होगा उसको किससे रेफरेंस करना है, कि वैभव गुप्ता से करना है, उसको किससे करना है कि भाई उसको गुड्डू कुमार से करना है, अगर गुड्डू कुमार ने लॉग इन किया है। ये एड टू कार्ट किससे जुड़ा है, सेशन ट्रू करने का मतलब ये है, मतलब लॉग इन के बाद में अभी जैसे जीमेल पेज ओपन कर रहे हैं हम लोग, सब लोग ओपन कर रहे हैं, गूगल मैप सब लोग ओपन करते हैं, कुछ सर्विसेज उसकी फ्री है, हमें उसके लिए लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। फ्लिपकार्ट हम लोग परचेज बिना लॉग इन के भी कर सकते हैं, बट कई बार हम लोगों को कुछ ऑफर चाहिए होता है या मान लीजिए कोई G90 चेक होता है तो हमारे लिए से एड्रेस पूछा जाता है, फोन नंबर पूछा जाता है, तो हम लोग हमारे लॉग इन आई डी जनरेट करते हैं, और जब हम लोग लॉगिन आईडी जनरेट करते हैं देन दैट सेशन विल बी कनेक्टेड और रेफर्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वहां पर लॉगिन किया है, तो उसके लिए हम लोग सेशन को काम में लेते हैं। एक और एग्जांपल से मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों ने एक हिट काउंटर देखा होगा वेबसाइट्स पर, जो ये बताता है कि अभी तक इतने विजिटर्स आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर, लैक्स में आते हैं, पहले तो ये बहुत ज्यादा काम में लेते थे, आजकल इसका कोई ऐसा कोई यूज नहीं है, पहले किसी वेबसाइट की पब्लिसिटी तो जब हमारे पास में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं था, एसईओ टेक्निक नहीं थी, तब हम लोग किसी पर्टिकुलर साइट की एक्सेसिबिलिटी कितनी है उस हिट काउंटर से पता करते थे। अब हिट काउंटर अलग से क्यों लगाना पड़ता था हमारे को, क्योंकि सारे यूजर लॉग इन तो करते नहीं थे। आज मान लीजिए लाचू कॉलेज की वेबसाइट है और लाचू कॉलेज का रिजल्ट है, तो अगर हम बात करें कि भाई 2,500 से 3,000 स्टूडेंट है, तो हमेशा 2,500 से 3,000 स्टूडेंट लॉग इन करेंगे तो हिट काउंटर हमेशा कितना रहेगा, 3,000 ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि होम पेज पर एक हिट काउंटर लगाते थे कि अगर कोई बाहर का यूजर है वो भी अगर उसको एक्सेस करता है तो बिना लॉग इन के भी वो हिट काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, ताकि हमें यह पता पड़े कि हमारी कॉलेज की वेबसाइट या हमारी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या मान लीजिए कोई ई कॉमर्स साइट है तो उसको कितने लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो दैट वाज द बिफोर सेशन, कि भाई सेशन तो तभी हो सकता था जब हम लोग लॉग इन या वैलिड यूजर को लॉग इन करावे, और अब सारे लॉग इन को अगर हम लोग ये कहेंगे कि लॉग इन करो तो सब लोग तो लॉग इन करेंगे नहीं, सो दैट इज द रीजन ऑफ यूजिंग सेशन। पर सर, अपने लाचू कॉलेज की जो वेबसाइट रिजल्ट वाली है उसमें जो काउंटर है वो सर 10 लाख से ऊपर आता है, ऐसा क्यों? उसको 1 लाख से ही शुरू किया होगा, क्या पता, समझ गए? भाई मैंने बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 5 लाख से शुरू कर दी, मुझे मेरी वेबसाइट को पब्लिसाइज करना है तो मैंने बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 5 लाख से ही शुरू करी हुई, ये तो मेरे हाथ में है ना, डेटा दिखा रहे हैं अपन, दिखा सकते हैं ना, मेरे को ध्यान नहीं है कि उस पे कितना 10 लाख से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अब तो यार 2012 से तो हो सकता है 10,000, आप घर बैठे बैठे अगर साइट को 10 बार रिफ्रेश कर रहे हो तो हिट काउंटर 10 बार बढ़ जाता है। अच्छा, वो यूनिक यूजर चेक नहीं करता, वो हिट काउंटर चेक करता है। हाँ, वो हिट, यही तो है, अगर यूनिक यूजर चेक कर लेगा तो आपको लॉग इन कराना पड़ेगा, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूनिक यूजर चेक कर लेगा तो सेशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, और सेशन को ट्रू करने के लिए हमें एक लॉग इन मैकेनिज्म लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम लोगों को हिट काउंटर से ही उसको ट्रेस किया जा सकता है। आप मान लीजिए कभी कई बार रिजल्ट नहीं आता है तो आप 15 बार 20 बार रिफ्रेश कर देते हैं तो वो 15 से 20 बार जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 2012 का लगाया हुआ हिट काउंटर आज हो सकता है 10 लाख पहुंच गया, कोई बात नहीं, 3,000 बच्चे हैं हर साल 9 बार रिफ्रेश करते हैं, 10 बार रिवेल का फॉरम लेते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच सकता है। जी सर, आउटपुट जब पर्टिकुलर हम लोगों को डिफाइंड करना होता है तो बफर की जो साइज होती है बाय डिफॉल्ट जो है 8 KB की होती है, अगर हम लोग इस साइज को KB में इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक बफर डायरेक्टिव और है, ठीक है, जिसको हम लोग काम में ले सकते हैं। अब जब हमने बफर डायरेक्टिव लिया और खूब सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया और खूब सारी वैल्यूज को हम लोग काम में ले रहे हैं, तो आप लोगों को जावा का एक फीचर पता होगा जिसको हम लोग गार्बेज कलेक्शन कहते हैं,
जो कि ऑटोमेटिकली जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह डिक्लेयर्ड किए हुए हैं काफी समय से और अभी काम में नहीं लिए जा रहे हैं उनको क्लियर करने का काम करता है। तो अगर हम लोग 4-5 पेज से काम कर रहे हैं और जैसे ही हम लोग किसी पर्टिकुलर यूजर को लॉग आउट करवाएंगे, अब जब हम उस पर्टिकुलर यूजर को लॉग आउट करा रहे हैं दैट सिंपली मीन्स कि अब हम लोग वहां पर कोई भी उस पर्टिकुलर यूजर का डेटा रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो यूजर से पूछें। तो उस कंडीशन में हम लोग ऑटो फ्लश काम में लेते हैं, जो भी वेरिएबल्स और जो भी वैल्यूड आपने वहां पर टेम्परेरी बफर के अंदर जो स्टोर करी है उनको फ्लश करने का काम, उनको क्लियर करने का काम यहाँ पर ऑटो फ्लश करता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है हमारे पास में इस थ्रेड सेव। अगर जेएसपी पेज इंजन दैट इज दिस पेज कैन सर्विस मोर देन वन रिक्वेस्ट एट ए टाइम तो हम लोग इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है एडवांस जावा के अंदर। अगर एक ही पेज पर कई सारी रिक्वेस्ट जो है आ सकती है, कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा सबमिट बटन है तो हम लोग उसको कहते हैं इज थ्रेड सेव। डेट मीन्स कि ये पेज मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है और बाय डिफॉल्ट जो है ये ट्रू होता है। अगर हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं तो ये केवल और केवल सिंगल थ्रेड मॉडल काम में लेता है। डेट सिंपली मीन्स कि आप इस पे डू गेट करना चाहते हैं या डू पोस्ट करना चाहते हैं। केवल और केवल एक बार ही सबमिट बटन आएगा इसमें। ये दरवाजा बंद कर दो सुनो। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्फो। दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट अबाउट द जेएसपी पेज दैट कैन बी एक्सप्रेस सर्वलेट गेट इन्फो। सर्वलेट के अंदर जनरली ये होता था कि सर्वलेट किसने बनाया है, ऑथर कौन है या डेवलपर कौन है। अबाउट अस होता है जैसे हर वेबसाइट के अंदर जो ये बताती है कि भाई वेबसाइट किसने डेवलप करी या कॉन्टेक्ट अस होता है। तो जेएसपी पेज किसने बनाया है, उसका ऑथर कौन है, इससे रिलेटेड अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो इन्फो एट्रीब्यूट काम में आता है। और डबल कोट्स के अंदर हम लोग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट दिस पेज इज क्रिएटेड बाय कॉपीराइट एक्ट एंड सो अदर थिंग्स विल बी एडेड देयर। नेक्स्ट आता है, यहाँ तक कहीं कोई समस्या हो तो पूछ लें वापिस किसी को भी। नो सर। आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छे से। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुअर है, नेट कनेक्शन धीमे है तो नहीं आ रहा, बट हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे एकदम क्लियर है, आवाज आ रही है ना, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया ताकि क्या है कि आवाज क्लियर आ सके। स्क्रीन तो दिखी रही है आप सब लोगों को? यस सर। ओके, नाउ कम्स एरर पेज। एरर पेज ये होता है कि हमने मान लीजिए कोई एक वेबसाइट बनाई जिसके अंदर 15-20 पेजेस है हमारे पास में, और कभी भी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पेज जो है उस पर कोई गलत इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो जाती है या कोई बाई मिस्टेक हो जाती है या जानबूझकर हो जाती है, कुछ भी हो सकता है उसका कारण, तो हम लोग क्या करते हैं यूजर को डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं एरर पेज की तरफ कि भाई आपने जो है ये इंफॉर्मेशन या डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हुई है या यूजर नेम पासवर्ड आपने प्रॉपर नहीं डाला है। तो पूरी वेबसाइट के अंदर एक पेज ऐसा होता है जो कि एरर पेज होता है। तो उस एरर पेज को बनाने के लिए उस एरर पेज की प्रॉपर्टी हम लोग जब ट्रू कर देते हैं तो वो एरर पेज जो है वो एक्सेप्शन को हैंडल करने की, जैसे हम लोग बात करते थे ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर कि भाई अगर मान लीजिए कोई अरिथमेटिक एरर आ जाए तो कैच ब्लॉक करता था, तो इस तरह से हम लोग हमारी वेबसाइट के अंदर या हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर किसी को पेज को एरर पेज बनाना चाहते हैं तो हम लोग एरर पेज का URL कि भाई अगर कोई एरर आ जाए इस पर्टिकुलर जेएसपी पेज के अंदर तो आपको किस एरर पेज पर जाना है, वो प्रॉपर्टी जो है एरर पेज इक्वल्स टू डबल कोट्स में वो प्रॉपर्टी आ जाती है। और एरर पेज को एरर पेज बनाने के लिए बाय डिफॉल्ट जो है ये हर पेज जो है वो फॉल्स होती है इसकी प्रॉपर्टी, हर पेज एरर पेज नहीं होता है। बट जिस पर्टिकुलर पेज को आपको एरर पेज बनाना होता है तो उसकी डायरेक्टिव के अंदर आप लोग लिख देंगे इज एरर पेज ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होता है, हम लोगों को अगर ट्रू करना होता है तो हम लोग उसको ट्रू कर सकते हैं, बट इन सम केसेस वेयर वी नीड सम प्रोग्रामिंग, इन सम केसेस हम लोग उसको डायनेमिकली ट्रू फॉल्स भी करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्स प्रॉपर्टी भी यहाँ पर दी गई हुई है। कंटेंट टाइप जो है एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि किस पर्टिकुलर कैरेक्टर साइट को काम में ले रहे हैं आप लोग। कैरेक्टर साइट से मतलब है कि भाई कई बार ऐसा होता है कुछ वेबसाइट में या कुछ एप्लीकेशन में कि हम लोग इस पर्टिकुलर कीवर्ड को ही फॉलो करेंगे, ये कीवर्ड्स हमारे काम में नहीं आएंगे। जैसे जापानीज होते हैं
या मान लीजिए अमेरिकन होते हैं वो डॉलर साइन काम में लेते हैं, हम लोग रुपीज साइन काम में लेते हैं, तो वो कंटेंट से रिलेटेड है कि भाई किस पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट का आप लोग काम में लेना चाह रहे हैं। दिस इज अबाउट ऑल पेज डायरेक्टिव विच विल स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पेज। नाउ कम्स इंक्लूड डायरेक्टिव। द इंक्लूड, हाँ जी सर, ये एरर पेज था ना, हाँ, ये अपना डायनेमिक होगा या स्टैटिक होगा, क्योंकि एरर तो अलग अलग तरह के आ सकती है, तो हर बार वही कॉल होगा तो उसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। हाँ आप बना सकते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टी ट्रू काम करेगा, इसीलिए प्रॉपर्टी ट्रू भी कर सकते हो और फॉल्स भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स है, बट इन सम सर्टेन सिचुएशन आपने मान लीजिए एबीसी डॉट जेएसपी पेज बनाया और उसको एरर पेज को आपने ट्रू कर दिया, तो वो एरर पेज ट्रू कब होगा, भी जब वो पर्टिकुलर एरर आ रही है। अगर वो पर्टिकुलर एरर नहीं आ रही है तो उस पेज के ऊपर जो पर्टिकुलर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, उसको हम लोग नहीं फिर चेंज करेंगे। डेट ऑल डिपेंड ऑन अवर रिक्वायरमेंट कि हम लोग क्या चाहते हैं। ओके ठीक है। द इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज्ड टू इंसर्ट टेक्स्ट कोड और टेक्स्ट एंड कोड जेएसपी ट्रांसलेशन। द सिंटैक्स ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव जनरली इसका बेसिक एग्जांपल ऐसे समझें कि जैसे लाचू कॉलेज की वेबसाइट है, तो द लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसका जैसे स्लोगन है एन इंस्टीट्यूट वेयर डिसिप्लिन इज रिलीजन परफॉर्मेंस इज क्रीड एंड एक्सीलेंस इज पैशन, उसका लोगो है, लाचू कॉलेज के ईमेल आईडी है, ट्विटर हैंडल है, फेसबुक हैंडल है, ये सारा का सारी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या चाहते हैं कि लाचू कॉलेज के हर पेज पर आए। फ्लिपकार्ट के जो ऊपर पेज होता है उसके जो कुछ लिंक्स होते हैं वो सारे के सारे हम लोग क्या चाहते हैं कि वो हर पेज पर आए, जिसको हम लोग अगर नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहें तो हम लोग उसको बैनर कहते हैं। भाई कई बार जो डिजाइनिंग पार्ट होता है तो वो हम लोग उसके साथ में मिक्स नहीं करते हैं, तो मान लीजिए हमने कोई HTML के अंदर बैनर बनाया किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के लिए या किसी वेबसाइट के लिए।